हिंदी सिनेमा में 80 के दशक में गायक किशोर कुमार का जलवा था। किशोर कुमार हर बड़े सितारे की कामयाबी का सबब बने हुए थे। किशोर कुमार सिनेमा जगत में भले ही कामयाबी की चोटी पर थे, पर उनकी निजी जिंदगी में सैलाब ही सैलाब था। किशोर कुमार की पहली वाइफ रूमा से तलाक के बाद मधुबाला से उन्होंने दूसरी शादी की। दिल को तेरी ही आरजू, दिल के शीशे में तू ही तू, कब से ये दिल दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो, हर जानो के न जानो। पर मधुबाला से शादी तो मधुबाला की आखिरी ख्वाहिश पूरी भर करना थी, क्योंकि सभी जानते थे कि वो कुछ ही सालों की मेहमान है। फिर भी 9 सालों तक बिस्तर पर पड़ी मधुबाला का किशोर दा ने ख्याल रखा। लेकिन मधुबाला की मौत के बाद किशोर कुमार का दिल योगिता बाली पर आ गया। योगिता भी किशोर को चाहने लगी थी। दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर पूरी इंडस्ट्री को हैरान कर दिया। पर एक साल बाद ही शादी टूटने लगी। योगिता बाली को उस समय के डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती में अपना महबूब दिखाई देने लगा, और मिथुन चक्रवर्ती से शादी करने के लिए योगिता बाली ने किशोर कुमार को 2 सालों बाद तलाक दे दिया। महज 2 सालों में ही किशोर कुमार और योगिता बाली का रिश्ता खत्म हो गया। योगिता की बेवफाई से नाराज किशोर दा ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना बंद कर दिया। ऐसे में मिथुन के लिए गॉडफादर बने बाप बिलारी। बाद में किशोर दा ने लीना चंद्रवरकर के साथ चौथी और अपनी आखिरी शादी की। हिंदी सिनेमा के ऐसे ही किस्से जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा।